हो चुकी है रात, तो शुरू करेंगे आज का नया ब्लॉग। हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। नमस्ते उत्तराखंड, पहला प्रणाम। सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपन लोग भी मस्त हैं। और ये आज रात का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग अभी थोड़ी घूमने के लिए मार्केट तक जा रहे हैं, कुछ सामान भी लाना है दीपशिका और हमने, और ध्रुव घर पर है, उसकी मम्मी भी घर पर है। और चलिए आपको दिखाते हैं आज रात का सुंदर ब्लॉग। दोनों हम पैदल चल रहे हैं अभी, और दिखाते हैं आपको पूरा शहर का नज़ारा। और शाम का अभी 8:30 हो गया, 8:30 नहीं 9:30 होने वाला, 9:30 होने वाला है। चलिए अब हमने सोचा कि थोड़ी बहुत मार्केट भी घूम लेते हैं, कुछ सामान वामान भी खरीदना था वो भी खरीद लेते हैं। चलिए यो, अब हम जा रहे हैं बाजार, थोड़ा दुकान तक। हमने थोड़ा कुछ घर का सामान लाना है, तो हमने सोचा वॉक करके चला जाए। दही लानी है, दही लानी है, सब्जी लानी है, छिट्टी जीने पत्ते। हाँ, तो गाइस हम निकल चुके हैं घर से बाहर, जैसे आप देख सकते हैं सुरीली सुरीली हवा चल रही है। हम दोनों चल रहे हैं, आज कोई दिख नहीं रहा रोड में हमें, आज टाइम भी ज़्यादा हो गया। मैंने इसको पूछा कि आज कोई दिख नहीं रहा, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है गाइस, दुकानें बंद होने लगी है। देखते हैं और हमको भी मिलता है नहीं मिलता है सामान। कुछ तो अब दिखने लगी है गाड़ियाँ, क्योंकि अब मेन पे आने लग गए हैं, मेन रोड की तरफ। ये कुछ स्कूटर भी दिख रहे हैं, कुछ लोग भी दिख रहे हैं, कुछ महिलाएं जा रही हैं। और हम लोग चलो, दवा भी हमको मिल गई है, सिटीजन का पता भी ले लिया। चलिए थोड़े आगे तक और देख लेते हैं, है ना। ये गाइस हम पहुंच गए हैं सरस्वती विहार मेन पे, और ये जो है यहाँ से आगे मेन हाईवे जाती है, आगे थोड़ी सी आगे जाके 300 मीटर के आसपास। चलिए हम आगे देखिए, यहाँ पर सब लोग आइसक्रीम वालों से लेकर सभी लोग दिखेंगे। शाम का टाइम है, अब लगभग दुकानें क्लोज होने वाली हैं। और ये देखिए इस तरीके से कुछ आइसक्रीम वाले यहाँ पर हैं, कुछ फल वाले हैं, और यहाँ पर सामने दिख रहे हैं। दे रहा बता बता ना, 50 का 2 किलो। चलिए ठीक है, बना लेंगे, क्या दिक्कत है वीडियो बनाने में, कोई दिक्कत है क्या? देखिए बिल्कुल सब लोग घर की ओर जाते हुए, ये गाड़ियाँ हैं और ये तमाम। हम सब्जी मंडी पर यहाँ पर हैं अभी, आम वाले से हमने पूछा, उसकी वीडियो बनाई, और 50 के 2 किलो हैं। दिखाते हैं अभी, चाटते हैं, आम तो ले जाने हैं हमको, पहले फिर निकलते हैं अभी घर की ओर। टाइम भी हो रहा है, क्योंकि अब घर वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे। ये देखिए रात का टाइम है, इस तरीके से गणेश विहार की ओर से गाड़ियाँ आ रही, सरस्वती विहार से होते हुए ये मेन रोड की तरफ निकलेंगे, हाईवे की तरफ। ये देखिए यहाँ पर चौराहा है। वापस आ चुके हैं हम दोनों, और घर की तरफ निकलते हैं अब, है दोनों हम घर की ओर आते हुए, और अभी पहुँचते हैं थोड़ी देर में। भूख भी लग रही है, और टाइम भी हो ही गया है ना, टाइम भी हो गया है, हम तो थक गए। फिर पैदल भी चलना जरूरी है ना। ठीक है जी, और सुनो अब, ये बस यहाँ पर अंधेरा भी हो रहा है, लाइट है नहीं। हाँ। और आगे पे लाइट है ना। यस। और ये डॉगी भी भौंक रहा है यहाँ पर, ये रात हो गई ना, से भूख लग गई, ये भी भौंक रहा है, हु कर रहा है। ये है डॉगी, ये डॉगी भौंक रहा है, ये देखिए डॉगी है। ये डॉगी काटने के लिए आ रहा था, और लगाया हमने कैमरा तो भाग गया है वहाँ से। और अब ये फिर हम राइट टर्न लेंगे यहाँ से दोनों, है ना। यस। राइट, और आगे से लेफ्ट। दीपशिका को भूख लग रही है, इसको बहुत भूख लग रही है, पर दिन में खाना भी नहीं खाया। दिन में मैंने पुलाव बनाए थे फर्स्ट क्लास वाले, इनने खाया नहीं, अभी कह रही भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है गाइस, मुझसे चावल खाए नहीं जाते। पुलाव बने थे फर्स्ट क्लास, चावल भी क्या थे यार। तो फिर हम लाइट यहाँ पर है, स्ट्रीट लाइट, अभी फिर से चली जाएगी आगे से, फिर अंधेरा हो जाएगा, फिर अंधेरा मिलेगा आपको। तो रात में ऐसे होता है, कहीं पर लाइट, कहीं पर अंधेरा, ये मिलते रहेगा, एक क्रम चलता रहेगा। और यूँ ही फिर घर पर पहुँचते ही आपको फिर लाइट दिख जाएगी। एक डॉगी और आ गया यहाँ पर, लेकिन ये भोंकेगा नहीं, है ना, क्यों
चलिए दीपशिखा भी आ गई है और हम दोनों आ चुके हैं। है आगे सामान लिया है पूरे, पूरा सामान भी आ चुका है। चलिए अब घर के घर पे पहुंचने वाले हैं, हम लोग पहुंच ही चुके हैं और खाना खाएंगे घर जाके, पहले पानी पियेंगे उसके बाद खाना आना चलेगा। और भूख भी लगी है, बड़ी जोर की भूख लगी है। ये पहुंच गए हैं अपने गेट पे, ये दिखाते हैं आप। बोलो दीपशिखा, ये खोल दिया दीपशिखा ने गेट, और ये गेट लगा दे बेटा, बेटा इसको लगा, ताला लगाएगी और ताला लगाया, आ जाओ ऊपर को आ जाओ, ठीक है जल्दी आओ। ये देखिए ये यहाँ पर और हो गया हारमोनियम का पूरा। क्या क्या बजाया आज? बहुत कुछ। क्या अभी शाम को क्या सुनाया? ऐसी दो चार भजन बजाए है और अपने रात की प्रैक्टिस। चलिए ठीक है, ध्रुव भी यहाँ प्रैक्टिस में लगा है। ये दीपशिखा भी आ गई ऊपर को, ये टाइम बहुत लगाते हैं हर काम में, बहुत टाइम लगाते हैं, नहाने में तो दो दो घंटे लगा देती है, इसलिए इसके लिए हमने स्पेशल एक बाथरूम बना रखा है। खाना बन गया, अभी टाइम भी हो गया, खाना बन गया होगा है, खाना बन गया। चलो पहुँच गए हैं घर पे, ओफो ये घर पे पहुँच गए हैं। चलिए अभी थोड़ी देर में खाना होता है, फिर पानी की बोतल सी, बड़ी बोतल, छोटी नहीं थी, बड़ी है, बड़ी नहीं छोटी चाहिए थी ना। ये ध्रुव बड़ी बोतल ले आए, ये तो बहुत, इसका दिमाग बहुत रखता है ये, एक बार ऐसा सोचता है कि पूरा पानी पिए करके ना। ये भी थक गई है थोड़ी में ही, चले अब क्या करें। ये फिर हमारा ध्रुव पानी लेके हमें पानी पिला रहा है, ले आए, ठीक है, थैंक यू भाई। देखो रात का खाना भी तैयार हो चुका, जैसे हम आए तो सुबह ने खाना तैयार कर दिया। और ये दीपशिखा को बहुत भूख लगी है, आज क्या बनाया सब्जी में? कटहल की सब्जी बनी है, और आज कटहल की सब्जी के साथ चलिए खाना खाते हैं शाम का। और ध्रुव कहाँ है? ध्रुव इधर आओ यार, बाबे फोन का चार्जर भी खराब हो गया। कैसे खराब हुआ? 9% से आगे नहीं बढ़ रहा। चलिए अभी वो ले आएंगे दूसरा वाला ना, ठीक है।